नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइबर एथिक्स। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के सारे नोट्स अवेलेबल कराए हुए हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इनको अपनी नोटबुक में पॉइंट्स के तौर पे नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स इज द फिलोसफिक स्टडी ऑफ एथिक्स पर्टेनिंग टू कंप्यूटर्स एनकम्पसिंग यूजर बिहेवियर एंड व्हाट कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू डू एंड हाउ दिस अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि यह किस तरह से अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को। विद द इंक्रीज ऑफ यंग चिल्ड्रन यूजिंग द इंटरनेट, इट इज़ नाउ वेरी असेंशियल टू टेल चिल्ड्रन अबाउट हाउ टू प्रॉपरली ऑपरेट द इंटरनेट एंड इट्स डेंजरस। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे आप सभी जानते हैं आज के टाइम में जो यंग चिल्ड्रन है वो ज़्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यह बहुत असेंशियल है, बहुत अनिवार्य है कि बच्चों को बताया जाए कि इंटरनेट को प्रॉपरली ऑपरेट कैसे किया जाए और उसके क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, यानी क्या क्या डेंजरस है वहाँ पे। यानी हमें जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, उनको समझाना चाहिए कि इंटरनेट को किस तरह से अच्छाई के लिए यूज किया जाए और उसके क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। और विशेषकर जो टीन्स हैं उनके बारे यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो किसी से भी इस बारे में सुनना नहीं चाहते क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो उनको समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। नीड फॉर साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स की आवश्यकता क्या है, इसके बारे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए पॉइंट क्या क्या है, इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, इंक्रीजिंग अनएथिकल बिहेवियर, फ्रॉड्स। तो आप इन पॉइंट्स को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इन पॉइंट्स को जरूर थोड़ा थोड़ा डिफाइन कीजिए। ये कुछ 7 या 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम डिमांड्स नीड ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ कोड्स एंड रूल्स। आप सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें साइबर एथिक्स की आवश्यकता है। इंक्रीजिंग अनएथिकल बिहेवियर, आप सभी जानते हैं अनएथिकल बिहेवियर भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए साइबर एथिक्स की आवश्यकता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एथिकली और मोरली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन द स्पेस ओपनड अप बाय द इंटरनेट। फिर है फ्रॉड्स, फ्रॉड्स के बारे आप सभी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, इंटरनेट पर बहुत से फ्रॉड्स होते हैं। फ्रॉड्स एंड impersonation are some of the malicious activities that occur due to direct or indirect abuse of private information. Identity theft is rising rapidly. यह आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस आप सुनते ही आ रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हमें साइबर एथिक्स की आवश्यकता है। और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ओनरशिप, एथिकल डिबेट एज लॉन्ग इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, दिस कंसेप्ट हैज क्रिएटेड मैनी क्लासेस इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर एथिक्स। अब ये जो कंसेप्ट है ओनरशिप का, इसकी वजह से बहुत से क्लासेस क्रिएट होते हैं साइबर एथिक्स के वर्ल्ड में। द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर ओनरशिप ऑक्यूर्स वैन द प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्फ्रिंज्ड अपॉन और अनसर्टेन। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंट्रोवर्सी कब होती है ओनरशिप के ऊपर, तो आप इन सभी बातों को डिफाइन कर सकते हैं। फिर है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर है एसेसिबिलिटी, सेंसरशिप एंड फिल्टरिंग। एसेसिबिलिटी, सेंसरशिप एंड फिल्टरिंग ब्रिंग अप मैनी एथिकल इश्यूज दैट हैव सेवरल ब्रांचेज इन साइबर एथिक्स। मैनी क्वेश्चंस हैव अराइजन विच कंटिन्यू टू चैलेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड अवर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, जो हमें चैलेंज करते हैं कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। इंटरनेट सेंसरशिप एंड फिल्टरिंग आर यूज टू कंट्रोल द पब्लिशिंग और असेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप सभी ने इनके बारे पढ़ा जरूर होगा और आपने कहीं ना कहीं सेंसरशिप वर्ड को सुना जरूर होगा। फिर है डिजिटल राइट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRM भी बोला जाता है। एथिकल इशू कंसर्निंग DRM इंक्लूड्स द वे दीज सिस्टम्स कुड अंडरमाइन द फेयर यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट लॉज। द रीजन इज दैट दीज अलो कंटेंट प्रोवाइडर टू चूज हु कैन व्यू और लिसन टू देयर मटेरियल्स। तो आप सभी जानते हैं कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चूज करता है कि कौन कौन उसने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है कौन उसको देख सकता है, कौन सुन सकता है। मेकिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स पॉसिबल।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टेक्नोलॉजी अलाउड यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल्स टू ईच अदर। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के पास। हाउएवर कॉपीराइटेड म्यूजिक आर इलीगल टू ट्रांसफ़र टू अदर यूजर्स। तो आप सभी इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि जो कॉपीराइट म्यूजिक है, जो कॉपीराइटेड म्यूजिक है, उसको ट्रांसफ़र करना, दूसरों के पास ट्रांसफ़र करना इलीगल है। वेदर इट इज़ एथिकल टू ट्रांसफ़र कॉपीराइटेड मीडिया इज अनदर क्वेश्चन। इन मॉडर्न टाइम्स विद कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी हैकिंग वेयर नो गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ऑन साइबर स्पेस एन इंटरनेशनल बॉडी इज मस्ट बेस्ड ऑन कॉन्सर्न्स दिस बॉडी शुड वर्क ऑन साइबर एथिकल कोड और सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट वुड पोटेंशियली बी कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग पीपल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। तो आज के टाइम में जहाँ पे हमारी प्राइवेसी बहुत मैटर करती है और हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका कंट्रोल नहीं है साइबर स्पेस पर, तो एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए, आम सहमति से कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जिसका इंटरनेट पर कंट्रोल हो, जो पीपल्स बिहेवियर, जो यानी लोगों के बिहेवियर को इंटरनेट पर कंट्रोल कर सके, कुछ ऐसे लॉज बनाए जा सके जिनसे लोगों के बिहेवियर को इंटरनेट पर कंट्रोल किया जा सके और हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। यानी कोई ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो कुछ लॉज बनाए, कुछ गाइडलाइन सेट करे जिनसे लोगों के बिहेवियर को इंटरनेट पर कंट्रोल किया जा सके और हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम स्टडी कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।